कल दोपहर में साई जी एक डॉग रेस्क्यू करके लाए हैं, रात को फिर वो एक बैल रेस्क्यू करके लाए हैं, और जो पहले डेज़ी आए रखी थी उसके भी पैर में नेक्रोसिस हो गया है। अब ये तीनों आज पालमपुर गए हैं। आ जाता हाथ में भाग्य देख के डॉग को स्मेल आ जाती ना हमारी। कोई जाएगा वो केज लाना पड़ेगा साथ में किसी को हेल्प के लिए। मत दौड़ लग रही तेरे को ये। तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा ना मैं देता आपको। तो कुछ दिन पहले ये मार्केट में ही ऊपर जैसे कोई गाड़ी वाला मार गया था इसको, तो उसकी वजह से इसकी टांग भी फ्रैक्चर है और साथ में इसका जो मौत चाह वो भी फ्रैक्चर हो गया। सर्जरी होगी इसकी हुई तो खाना भी खाता है ना। अब जब डेजी का घाव साफ किया गया था तो बड़ी सारी डेड स्किन निकाल दी गई थी, पर शिकंजे की वजह से हुआ क्या, उसको बहुत नेक्रोसिस हो गया और उसका सारा का सारा मांस वहां से सड़ गया। तो ये तो वो ऐसी चीज है जिसको देख के ठीक किया जा सकता है, हमने इसको पालमपुर भेज दिया। पर जब ये आई थी ना तो इसको देख के हमें पता लग गया था कि इसने हाल ही में बच्चे दिए, तो हमने आसपास पूछा था कि इसके बच्चे कहाँ हैं, तो लोगों ने कहा था कि 2 हफ्ते पहले वो दिखने बंद हो गए, यानी कि या तो वो किसी गाड़ी के नीचे आ गए या किसी ने लेके उन्हें कहीं और फेंक दिया। तुम तो गाड़ी तो फिर ले ही जाओ, तुम ही चढ़वा दो, मैं वहाँ भेजता हूँ कोई डॉक्टर, वहाँ पे आके पेन किलर लगा देता हूँ। ये मेलोनेक्स है पेन किलर, इसको देंगे, और ये टेक्सावेट है, ब्लीडिंग हो रही है अभी तो इसको देंगे। जो दफ्तर घर नहीं वहाँ जा रहे हैं ये, तो फोन कर लेना उनको आप। चपाती है आपका ये जो योगदान है ना। सर इसको तो पट्टी ऊपर से क्यों कर रहा है पहले, यहाँ से हड्डी हड्डी नहीं पता है, इसको पलटने का चक्कर ये भी है कि भाई इसके पैर पे ज्यादा वजन ना आए। मेरे गांव के ब्रेक फट के मैं था नीचे गिर हुआ ना, तो लगी थी पंख टूटता है इसका, मतलब यहाँ पे मैंने सुना हुआ था कि करते हैं कि तुम्हें यहाँ ले जा। ये नहीं उड़ पाएगा ये। शिवाजी नेती से लेके आया इसको, उन्होंने सड़क पे पड़े देखा इसको, तो वो उठा के यहाँ पे गया हमारे पास। इसको पंख में लगी हुई थी, थोड़ा जख्म हुआ है पंख में और शायद फिन फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो अभी इसको हम एग्जामिन करेंगे और फिर थोड़ा पेन किलर दे देंगे और इसको केज रेस्ट में ही रखेंगे। पुराना है जख्म ये, मुझे भी लग रहा है, और किसी ने तो इसको ट्रीट करने की कोशिश की है। ये चोखी बेबी,
मुझे निकल जाएगा ये। हाँ ये देखो क्रैक है यहाँ पे, ये देखो ये टूटा हुआ है। Wing fracture. A what? Wing fracture. Ooh. He's a baby. Hey, you look totally freaked, baby. We're moving him inside this room, away from the animal area, because it's much quieter in here. And birds get really stressed out when there's lots of noise around. So hopefully this will help him not be so stressed. ये लोग बोल रहे हैं कि वो डेजी और उस जो शाहपुर से पकड़े उसको लेके गए थे ना पालमपुर, डेजी को तो दिवाली के बाद एम्पुटेशन करेंगे और जो शाहपुर से पकड़े उसकी सर्जरी हो गई है, जो फ्रैक्चर था उसकी सर्जरी हो गई आज, उसको 21 दिन बाद रीचेक के लिए बुलाया अभी। और अब जो बेचारा बैल रात को आया था उसका भी उन्होंने यही कहा कि आप सर्जरी की डेट ले लीजिए और इसका पैर काटना पड़ेगा, इसकी पिनिंग सर्जरी संभव नहीं। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो ये रात को ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर अंकित के अनुसार इसका ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा था और ये एक्सपेक्टेड था। तो हाँ, ये ब्लड लॉस से मरा है, पर अगर ये ब्लड लॉस से ना भी मरता तो भी ये नहीं बचता। इसकी एम्पुटेशन हो जाती तब भी इसका जो इंसिजन है वो इन्फेक्ट हो जाता, ये इन्फेक्शन से जाता। कोई चमत्कार हो जाता भाई, सर्जरी पूरी सक्सेसफुल होती, इंसिजन भी अच्छे से हील हो जाता, तो ये तीन पैर पे इतना भारी पशु खड़ा कहाँ से होता। अब अजीब बात पता है क्या है कि लोग बछड़ों को मार देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लोग बछड़ों को खड के पास छोड़ जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहता। सड़क पे मार्केट में आप देखोगे गाय बैल को लोग पीट रहे हैं, कोई नहीं रोकता। कोई गाड़ी वाला बैल को मार जाता है उसे भी कोई कुछ नहीं कहता। अब बैल सड़क पे पड़ा हुआ है, उसका खून निकल रहा है, वो तिल तिल के मर रहा है, उसको कीड़े पड़ जाएंगे, उसको कुत्ते खाने पड़ेंगे। हम अगर ये कह देना कि भाई इससे अच्छा तो इसको चैन की एक मौत दे दो, जहर का इंजेक्शन लगा दो, तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो आपने अधर्म की बात कर दी। मतलब किसी को इतनी गंदी जिंदगी देना, बचपन से है नकेल डाल देना, उसके बच्चे पैदा करना, अलग कर देना, छोड़ देना, वो अधर्म नहीं है। पर कोई मर रहा है और उसको कहो कि यार इसको चैन से मरने की अनुमति दे दो, तो वो अधर्म है।